वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 3, द मंकी एंड द लिटिल स्पैरो ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी, देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इट वॉज अ लवली मॉर्निंग, एक बड़ा अच्छा दिन था. टॉबी द मंकी डिसाइडेड टू टेक अ वॉक थ्रू द फॉरेस्ट. टॉबी द मंकी, मैंने बताया मंकी था एक जिसका नेम क्या था, टॉबी. उसने डिसाइड किया वॉक करने के लिए कहां से, थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जंगल में. ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट, उसने अभी शुरू ही करा था. ही हर्ड, व्हेन ही हर्ड समवन क्राई, उसने क्या सुना, किसी के रोने की आवाज सुनी. ही स्टॉप टू लिसन, वो रुक गया सुनने के लिए कि क्या वो कौन सी आवाज आ रही थी किसी के रोने की, तो फिर वो रुक गया उसको सुनने के लिए. यस, समवन वॉज क्राइंग, कोई रो रहा था. उसको सुनाई दी आवाज किसी के रोने की, तो कोई रो रहा था. ही पीप्ड अराउंड द बिग ओक ट्री, उसने झांका एक बिग ओक ट्री में से. एंड सॉ अ लिटिल स्पैरो, क्या देखा उसने, एक लिटिल स्पैरो को देखा. सिटिंग एट द फुट ऑफ अ बनियन ट्री, कहां पे बैठी हुई थी वो, बनियन ट्री के नीचे. एंड क्राइंग टू हरसेल्फ, तो वो रो रही थी. टॉबी आस्क्ड हर, टॉबी ने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो लिटिल स्पैरो, व्हाई आर यू क्राइंग लिटिल स्पैरो. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई फेल आउट ऑफ द नेस्ट एंड कांट गेट बैक अप द ट्री, मैं अपने नेस्ट से गिर गई हूं और वापस नहीं जा पा रही. टॉबी स्माइल्ड, टॉबी ने हंसना शुरू किया, मतलब टॉबी हंसा. ही न्यू ही कुड हेल्प हर, उसको पता था कि वो उसकी हेल्प कर सकता है. ही सेड, आई विल हेल्प यू रीच द नेस्ट लिटिल स्पैरो, उसने क्या बोला, ही सेड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे स्पैरो नेस्ट में पहुंचने के लिए. ठीक है, लिटिल स्पैरो को क्या बोला उसने, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा वापस अपने नेस्ट में पहुंचने के लिए. अच्छी स्टोरी थी ना ये. नाउ वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज, हु इज टॉबी, टॉबी कौन था, टॉबी इज अ मंकी, टॉबी कौन था, एक मंकी. सेकेंड वन इज, व्हाट वॉज टॉबी डूइंग वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग में टॉबी क्या कर रहा था. टॉबी वॉज टेकिंग अ वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, टॉबी वॉक ले रहा था जंगल के बीच में से. थर्ड वन इज, व्हाट डिड टॉबी सडनली हियर, टॉबी हर्ड समवन क्राई, टॉबी ने क्या सुना कि कोई रो रहा था. टॉबी हर्ड समवन क्राई. नेक्स्ट वन इज, Who did Toby find under the banyan tree? Toby ने banyan tree के नीचे किसको देखा? A little sparrow. Last one, fifth one is, Why did Toby smile? Toby हंसा क्यों? Because he knew, क्योंकि उसको पता था, he could help the little sparrow, कि वो little sparrow की मदद कर सकता है. Okay? Students, ये 3 questions हम नहीं करेंगे, इसको आप कट कर दो. Start the B part. Write the words that are opposite in the meaning to the following words. हमने अब इन words के opposite words लिखने हैं. Cry, cry means rona. Cry का opposite word laugh. Laugh means हंसना. Up, ऊपर. Down, नीचे. Little, little मतलब छोटा. Big, big मतलब बड़ा. Okay? Opposite words कर लिए आपने. Thank you. Have a nice day.